हेलो एवरीवन, आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं वो है सुजुकी एवरी, जो कि न्यू शेप वाली है। साइड प्रोफाइल तकरीबन गाड़ी की सेम है, बैक पर जो बम्पर में लाइट्स चेंज की गई हैं इस गाड़ी की, जो कि जैसे कहता है हर्सू हाइजेट में आती हैं, उस तरह की कुछ लग रही हैं। इसके अलावा गाड़ी में जो है कीलेस एंट्री है, आपको ये सेंसर नज़र आ रहा है। एक दफ़ा पुश करेंगे इसे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। गाड़ी का जो इंटीरियर है वो पूरा रीडिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर आप देख रहे हैं सब कुछ ही रीडिज़ाइन है, डोर्स के पैनल्स भी। चार आपको ये पावर विंडोज़ मिल जाती हैं। फर्स्ट जो ड्राइवर साइड है वो ऑटो है। रिक्लाइनेबल मिरर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको स्टेयरिंग पे जो है वो ऑप्शंस मिल जाते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल, ऑडियो के, फ़ोन के। ये आपको लाइट के ऑप्शन मिल जाते हैं, हेडलाइट्स के, ऑटो इसके अंदर ऑप्शन जो है वो मौजूद है। इसके अलावा आपको इधर वाइपर के मिल जाते हैं ऑप्शन, नीचे आपको बटन मिल जाते हैं ऑटो स्टेप्स के, और उसके अलावा ऑटो कोलिजन ऑफ ऑन के आपको। इसके अलावा इसके अंदर ऑटो डोर्स हैं साइड के जो हैं, इसके बैक के उसके कंट्रोल मिल जाते हैं। ट्रैक्शन का आपको बटन मिल जाता है यहाँ पर ऑफ ऑन करने के लिए। स्पीडोमीटर भी नया डिज़ाइन किया गया इसका। इसके अंदर पुश स्टार्ट मौजूद है गाड़ी के अंदर, जो कि पहले वाले एवरी में नहीं था। फ्रंट प्रोफाइल भी तकरीबन गाड़ी की सेम है, लेकिन बम्पर चेंज किया गया है, लाइट्स चेंज की गई हैं गाड़ी की। इसके अलावा साइड पर आपको हीटिंग सीट मिल जाती हैं, रेयर फैन मिल जाता है, और डोर ऑटो क्लोज ऑफ करने के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। ये स्लाइडिंग डोर आपने पुश पे ऑन करना है या नहीं, ये इसकी ऑप्शन है। और इसके अलावा सीटिंग हीटिंग सीट्स हैं, जो कि पहले एवरी में नहीं आती थी, ये एक नया ऑप्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है इसके अंदर, जो कि अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा सीट्स पे आपको फैब्रिक मिलता है, लेदर सीट नहीं मिलती इसके अंदर। स्टीरियो में इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको कलर्स मिलते हैं। ये कुछ स्टोरेज मिल जाती है आपको कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। इसके अलावा कप होल्डर है, ये भी स्टोरेज काफ़ी जगह प्लेस की गई है गाड़ी के अंदर।